हमारा ग्रंथ पढ़ के बता रहे हैं संस्कृत में, जिस भाषा में लिखा गया था। महामद इति ख्यातः, वो मोहम्मद के नाम से जाना जाएगा। तो ये तो आपका तो ग्रंथ है, ये तो आपकी 14वीं शताब्दी के इसका बाद रेफरेंस लिखा अभी गया है। तक इन लाइक दे रहा है। इसको तो ये तो आपका ग्रंथ जो ये तो 14वीं शताब्दी के बाद क्यों लिखा हुआ है? इससे पहले का तो कुछ आपका प्रूफ वगैरह मिलता भी नहीं है, जो देवनागरी में लिखा हम गया है। मना नहीं कर रहे हैं, हम मना नहीं कर रहे हैं। हम तो पुराणों को वैसे भी लेटर एडिशन मानते हैं, हम तो वेदों को मानते हैं, लेकिन तुम्हारा जाकिर नायक दे रहा है ना इसका रेफरेंस। बोल दो जाकिर नायक, जाकिर नायक जो है ये एक अपंग इंसान है, दिमागी अपंग है, उसने गलत हवाला दिया, बोल दो और चले जाओ। हमारा स्ट्रीम का जो मकसद है बहस इसी बात पे है ना कि जाकिर नायक ने नहीं फिर कई सारे आप लोगों यहाँ पर, को, फिर पहले आप बात फिर सुन यहाँ लो, पर फिर पहले आपने बात मोहम्मद सुन साहब लो, की फिर गुस्ताखी क्यों कर रहे पहले हो? पहले मेरी बात सुन लो। एक हीटर डिबेट भाई, एक मिनट रुको, से नो टू एक्सप्लेन, पहले मुद्दा समझो। मसला यह है, आज का स्ट्रीम इस बात पे है कि जाकिर नायक साहब ने भविष्य पुराण से या हिंदू स्क्रिप्चर से जो हवाले देकर मोहम्मद साहब को साबित करने की कोशिश की, हम बता रहे हैं कि वो मोहम्मद साहब का जो डिस्क्रिप्शन है वो एज अ गुड पर्सन आया है क्या, बैड पर्सन आया है? अगर आप ये कहते हैं कि ये साबित नहीं है या ये उस मोहम्मद साहब की बात नहीं है, तो आप बोल दो कि जाकिर नायक साहब जो है वो दिमागी अपंग है, उन्होंने गलत बताया, और निकल जाओ। जो मानता है जाकिर नायक को वो आके बात करे। और हम तो ये कह भी नहीं रहे कि हमारे भविष्य पुराण में तुम्हारे मोहम्मद का वर्णन है, हम तो कह रहे हैं महामद नाम के एक असुर का वर्णन है। तो महामद से नाम मिलता जुलता देखा तुम्हारे जाकिर नायक ने, पेल दिया स्टेज पे। हम तो ये कह भी नहीं रहे कि तुम्हारे मोहम्मद के बारे में बातें चल रही हैं, ये तो जाकिर नायक ने किया ना। ये समझ तो में आ फिर रही है? ऐसे तो बहुत सारे आपके लिखा हुआ है ग्रंथों में कि जब आएंगे अब अगले जो अवतार आएंगे वो तो बहुत ही अच्छे होंगे, अंदर से सात्विक होंगे। बिल्कुल, वो तो हमारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी के बारे में बात हो रही है, बिल्कुल वैसे ही बात हो रही अच्छा है। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, हिट अ डिबेट भाई, एक मिनट। से न्यू टू एक्स मुस्लिम, पहले ये बताओ कि इस हवाले को जाकिर साहब ने दिमागी अपंगता के साथ मोहम्मद साहब पे फिट किया, आप ये बात कंफर्म करो, और उसके बाद आपके हिसाब से हिंदू ग्रंथों में किधर मोहम्मद साहब का वर्णन है वो हवाला बताओ, फिर उस पे हीटर डिबेट भाई आपसे बात करेंगे। पहले ये जो हवाला दिया गया है इस रेफरेंस के बारे में आपका क्या कहना है जाकिर नायक को लेके, पहले ये कंफर्म करो। उन्होंने जो पढ़ा वो वही बता रहे हैं, वो तो आपके ही बुक्स वगैरह में लिखा हुआ है। तो आप भी मानते हैं कि ये जो हवाला है ये रसूलुल्लाह के बारे में ही है? जी नहीं, हमारे रसूलुल्लाह तो सभी के लिए अच्छा तो करते थे, जाकिर उसकी नायक रहमतुल ने, एक आमीन थे वो हमारे रसूलुल्लाह। मिनट एक मिनट भाई भाई भाई, 100 की स्पीड में नहीं जाना है, बुराक की स्पीड में नहीं चलेगा। आप एक तो जाकिर नायक को डिनाउंस भी नहीं कर रहे, डिसोन भी नहीं कर रहे, और उसके साथ आप जो है मान भी नहीं रहे। आपको नहीं मानने के लिए जाकिर नायक को पहले डिसोन करना पड़ेगा। आप ये कह रहे कि नहीं जाकिर नायक ने जो लिखा है वो बताया, तो मानते हो आप जाकिर नायक की बात या नहीं मानते हो, डिसोन करते हो या क्या करते हो, एक्सेप्ट करते हो? जल्दी जल्दी जवाब दो, चुप जिहाद नहीं करना है। क्या डिसोन करते हो जाकिर नायक को, ये हवाले को मानते हो कि मोहम्मद साहब के बारे में? अच्छा, जरूरी नहीं, उन्होंने जो पढ़ा वो आपके बुक को एक बार खोला होगा उन्होंने, फिर वो तो देखा होगा हाँ कि वैसे। ठीक है हाँ, मेरे भाई, पास भी इसका या स्क्रीनशॉट है, मैं दिखा सकता एक हूँ, ये बुक का मेरे से पास भी स्क्रीनशॉट नो टू मैंने एक्स, लेके रखा हुआ है। से नो टू एक्स मुस्लिम, पहले बता भाई तू कितना पढ़ा लिखा है, कितना पढ़ा लिखा है तू? जी, मैं जेई का एस्पिरेंट हूँ, मैं जेई की तैयारी कर रहा हूँ। जेई, मत करो जेई मत क्या होता करो है? मत करो, ज्वाइंट इंजीनियरिंग एंट्रेंस, जेई मेंस एडवांस, ज्वाइंट आईआईटी के लिए। आईआईटी के लिए, तुम्हारा आईआईटी में पता है तुमको तुम्हारा लॉजिकल रीजनिंग कितना स्ट्रांग होना चाहिए एक प्रोग्राम लिखने के लिए या उसमें बाकी चीजें करने के लिए, कितना स्ट्रांग लॉजिकल रीजनिंग होना चाहिए अच्छा, तो पता है फिर तुमको? उसका इससे कुछ लेना देना क्या होना चाहिए है उसका? लेना देना, क्योंकि तुम भी दिमागी अपंग हो। तुम ये कह रहे हो कि भाई ये हवाला जो है ये मोहम्मद साहब के बारे में नहीं है, जाकिर नायक कह रहा है कि ये हवाला मोहम्मद साहब के बारे में। अब दोनों में कॉन्ट्रेडिक्शन है, या तो तुमको डिसओन करना पड़ेगा जाकिर नायक को, या तो कहना पड़ेगा कि नहीं उसकी बात सही है। दोनों में से चूज क्या कर रहे हो तुम? जब मोहम्मद साहब ने आगे कहा कि ये उनके बारे में लिखा हुआ है। अरे भाई तू कैसा दिमागी अपंग है यार, जाकिर नायक ने तो बोला है ना, उसकी बात से अग्री इत्तफाक करते हो या इख्तिलाफ करते हो?
अग्री करते हो या डिसअग्री करते हो उसकी बात से? मैं उनकी इज्जत करता हूँ, उनके मैं उनके बातों को मानता हूँ, लेकिन यहाँ पर मैं शायद उनके बात को मतलब नहीं मानता यहाँ पर मैं। मैं उनकी बातों को मानता हूँ और मैं उनकी बातों को नहीं मानता हूँ। और ये बंदा जो है जेईई या जेई जो भी है वो करने जा रहा है। मैं इनकी बात उनकी बातों को मानता भी हूँ, मैं उनकी बातों को नहीं मानता हूँ। ये कौन सा स्टेटमेंट है भाई? किस दुनिया का स्टेटमेंट है? अगर मानते हो तो फिर मानो। जो जो इधर जो आप डिबेट करने के लिए जाइए, जायद साहब से करने के लिए डिबेट जाइए। अच्छा, अभी जाकिर नायक खड्डे में चले गया, अभी जाकिर नायक की वो तो इंडिया में भी नहीं रहता है ना, वो तो इंडिया में भी नहीं रहते हैं। सुनो 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 सुनो, तुम जाकिर नायक की बात से इत्तफाक, ये जो मोहम्मद वाला जो महामद है उसको जो उसने मोहम्मद साहब से जोड़ा है उस बात से इत्तफाक रखते हो या नहीं रखते हो? सिंपल आंसर दो, टाइम मत वेस्ट करो। मैं जाकिर नायक वाली सर से मतलब उनसे ये बात तो मतलब नहीं रखता हूँ, लेकिन ये आपके बुक्स में ऐसा लिखा हुआ है तो ये बुक में आपका हमारे एक मिनट, आप नहीं रखते उससे इत्तफाक? क्या आप यहाँ पर यार सुन लो, अभी आपने एक सिंपल सा जवाब दिया कि आप जाकिर नायक की बात से इत्तफाक नहीं रखते हो। क्या आप अभी सबके सामने ये एक्नॉलेज करोगे कि जाकिर नायक ने ये हवाला देके सारी दुनिया को धोखा दिया है? उन्होंने तो बस वही बताया कि जो इनके ग्रंथों में लिखा हुआ है, इन हिंदुओं के ग्रंथों में। सुनो, उनको ये भी बताना चाहिए था कि जिसको लेके मैं मोहम्मद साबित कर रहा हूं असल में हिंदू ग्रंथों में वो एक पिसाज है, वो एक असुर है, वो एक राक्षस है। ये क्यों नहीं बताया? ये भी तो साथ में बताना। गलती तो फिर गलती तो इनको इन लोगों की है ना, इन्होंने हमारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे रहमतुल्लाह आमीन को गलत दिखाया है। अबे गलती उनकी नहीं है, गलती तुम्हारे जाकिर नायक की है। इन्होंने तो कभी नहीं बोला कि ये स्क्रिप्चर तो नहीं बोल रही कि वो मोहम्मद है, वो महामद बोल रही है। मोहम्मद तो लिखा ही नहीं है। अच्छा मैं दिखाता हूँ, मैं एग्जांपल बताता हूँ यहाँ पर कहाँ लिखा हुआ है। ये क्या सूत वाला है ना, सूत जी बोले, उसके बाद जाके लगभग तीसरे या चौथे लाइन में मोहम्मद के बाद ब्रैकेट में मोहम्मद उसका नाम था वो लिखा हुआ है, और उसके बाद उन्होंने नीचे में एक और लाइन इसमें लिखा है कि अपने गुरु फिर उसमें फिर ब्रैकेट में देख के मोहम्मद लिखा हुआ है उस स्थान को मदहीन पुर, जिसको बाद में हमारे पाक मदीना के नाम से जोड़ा गया है। तो तुम्हारे तुम्हारे जाकिर नायक ने जोड़ा रे भाई, कितने बार तुमको बताने का। अच्छा नीचे में भी सबसे आखिरी वाले लाइन में लिखा हुआ है कि ईसा मसीह धर्म वरवर तुस तथा सभी द्वीपों में देव एवं राजाओं की भांति स्थापित हो गया। श्री भविष्य महापुराण, हाँ बोलिए, सुन मेरी बात। मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे जो भविष्य पुराण में वर्णन किया गया है वो एक महामद नामक राक्षस का किया गया है मेरे भाई, ठीक है। और अच्छा तो फिर उसको ट्रांसलेशन में मोहम्मद क्यों लिखा हुआ है? उसके ट्रांसलेशन में अगर किसी ने मोहम्मद किया है तो वो गलत किया है, मैं उसे मूर्ख मानता हूं। आप भी तो फिर वही दिखा रहे हो ना, वो किसका क्या पंडित बाबूराम उपाध्याय किया ना, मैं डिसोन किया ना उन्होंने, संस्कृत मैं तुमको संस्कृत दिखा रहा हूँ, उसमें महामद नाम दिया गया है, ठीक है, उसमें मदीना का नाम नहीं किया गया, उसमें मदहीनपुर लिखा गया है, राइट। तो हम अपने एक असुर की बात कर रहे हैं अपनी एक कथा में, तुम्हारे जाकिर नायक ने इसको मोहम्मद बनाया है। ऊपर में और भी लिखा हुआ है, भोजराज बोले कि मरुज भूमि के निवासी गिरिजापति को नमस्कार है जिन्होंने अत्यंत माया के हूँ। अच्छा सेम टू एक्सप्लेन मेरे प्यारे भाई, एक मिनट रुक। अच्छा ये तो कंफर्म हो गया, 9400 लोग देख रहे हैं, ये तो कंफर्म हो गया कि इसने डिसोन किया जाकिर नायक को। अच्छा इसने और एक स्टेटमेंट ये बोला था कि मैं तुमको बताऊंगा कि मोहम्मद साहब का जिक्र किधर है, ठीक है। सेम टू एक्स मुस्लिम हवाला दो जहां पे हिंदू ग्रंथों में मोहम्मद साहब का जिक्र है, रेफरेंस दो। भागवत पुराण में लिखा हुआ है कि आने वाले समय में एक महापुरुष आएंगे। रेफरेंस सर, मुझे वो रेफरेंस मुझे मिल नहीं रहा, मुझे याद नहीं है, मैं आपको बताऊंगा बाद में कभी। हाँ तो बाद में ज्वाइन करो, जाओ बाद में। अच्छा एक और रेफरेंस है कि बता रहा था कि मैंने क्यों सना हिंदू धर्म को छोड़ा है। नहीं वो नहीं, आज वो टॉपिक नहीं है क्यों छोड़ा है। आप
जो रेफरेंस है मोहम्मद साहब के, आपके ग्रंथ, आपके ग्रंथों में, आपके भगवत गीता में औरतों को ये जो डिस्कशन है, हाँ ये हीटेड डिबेट भाई का चैनल उसके लिए खास है। आप जाओ भगवत गीता में औरतों के बारे में क्या लिखा है नहीं लिखा, वो उनसे डिस्कशन करो, कोई मुश्किल नहीं। अभी चूंकि आप आज के टॉपिक पर आपने ये दावा किया था कि मोहम्मद साहब का जिक्र है हिंदू ग्रंथों में, एक से तो आपने डिसोन कर दिया कि ये नहीं है, जो है उसका हवाला लेके आओ, प्राइवेट चैट में मेंशन करो कि मुझे हवाला मिल गया, मैं फिर से आपको ले लूंगा, ठीक है। अब देखिए गाइस के किस तरीके से ये लोग जो है जेईई करने वाला इतना दिमागी अपंग है, आप सोचो। अच्छा हीटेड डिबेट्स भाई ने सिरे से उसको डिसोन किया, तो तुम में भी तो इतनी एक ऑनेस्टी होना चाहिए कि भाई डिसोन करो अपने लोगों को, बोलो उसने धोखा दिया है, तुम डिसोन नहीं करते हो, ये तुम्हारे में फर्क है। इसी वजह से मैं कहता हूं कि तुम्हारा दिमाग जो है वो अपंग हो चुका है इस्लाम की वजह से, और आप बार बार आके मिसाल देते रहते हैं इस बात की। दूसरे कॉलर को ले लेते हैं, देखते हैं इनके पास कुछ कहना है क्या। अहमद भाई जी जनाब, साहिल भाई शुक्रिया जी आपका भाई, लेने के लिए शुक्रिया आपका, आप जो है आपने मुझे लिया, शुक्रिया जी। आप एक्स मुस्लिम है ना अहमद भाई? भाई अभी तो यार ऐसी बातें मत करो है नहीं है, क्योंकि टॉपिक हमको फटाफट फिनिश करना है भाई, इस पे टॉपिक पे बात करना जी। जी भाई इसके लिए मैं ये कहूंगा कि भाई ये जो भी लिखा हुआ है हाँ, तो ये वाकई अपनी तरफ से भेड़ा गया है ये सब। क्या खड़ा गया, जाकिर नायक नहीं खड़ा है? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा चलो, हमें ऐसा बंदा चाहिए जो जाकिर नायक को ओन करे और बताए कि भाई मैं वैसे मैंने जाकिर नायक की बहुत सारी वो सुनी थी, क्या कहते हैं तकरीरें, तो उससे काफी मैं प्रभावित हुआ था, ये बात तो सही है, मगर आज जो ये जो परत खोल के रख दिया ना, इससे और ज्यादा आंखें खुल गई हैं। बिल्कुल बिल्कुल, और भी खुलेंगी, आप जैसे और भी लोगों की आंखें खुलेंगी। आप YouTube से देखिए क्योंकि हमें ये टॉपिक फटाफट फिनिश भी करना है, ठीक है? चलिए चलिए, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। ओके, मगर मैं एक बात कहना चाहूंगा आपसे, सुनिए। हेलो, हाँ हाँ बोलिए फटाफट अपनी बात। मैं आपसे व्हाट्सएप पे रابطہ करना चाहता हूँ, आप करते नहीं है, थोड़ा सा आप मुझे बता दीजिए। मैं तो अभी व्हाट्सएप मेरा अनइंस्टॉल करने वाला हूँ, मैं इतना परेशान हो गया हूँ व्हाट्सएप से। अच्छा तो आप बताइए कैसे आपसे संपर्क करूँ मैं? संपर्क स्ट्रीम में आप कर सकते हैं, जो भी अपनी बात है स्ट्रीम पे रखे। अच्छा हाँ, क्योंकि व्हाट्सएप से मैं इतना परेशान हो गया हूँ, इतने मैसेजेस इतने कॉल्स आते हैं कि मैं सोच रहा हूँ कि इसको फटाफट जो है वो खत्म करूं। तो मेल से हो सकती है कोई बात? मेल से ठीक है, आप मेल कर दीजिए, जो इम्पोर्टेंट बात रहेगी उतना आप मेंशन कर देना, मैं देख लूंगा। ठीक है भाई, ठीक है ठीक है, शुक्रिया शुक्रिया, चलिए बहुत शुक्रिया भाई। वो मोमिन जुड़े अभी जो हमारे हीटेड डिबेट भाई को गलत साबित कर सकते, क्योंकि मैं इक्वल अपॉर्चुनिटी देना चाहता हूं। मेरा हमेशा से ये तरीका रहा है कि आप लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाए कि हम जो बात बताते हैं अगर वो गलत है तो साबित करो आके। तो बाकी कोई लोग, अभी देखो ये रवि घुगरी साहब को मैंने बैन किया, ये लो उज्जवल राय साहब बैन हुए, शेखर मिश्रा बैन हुए, कविता अड्डा बैन हुए, एमजे साहब मोमिन है आप? हाँ। अरे ये तो अपने पुराने वाले हैं जी भाई। ये जाकिर नायक साहब से आप इत्तेफाक रखते हैं या डिसोन करते हैं? उन्होंने ये हवाला देके मोहम्मद साहब को साबित करने की कोशिश की है भविष्य पुराण से। भविष्य पुराण से उन्होंने क्या किया अभी बताया ना वीडियो, उन्होंने बताया कि ये भविष्य पुराण और जो ये अभी हवाला इन्होंने एक्सप्लेन किया हीटेड डिबेट भाई ने, जाकिर नायक ने बोला मोहम्मद साहब के बारे में भविष्यवाणी, और हमने यहाँ पे देखा कि वो जिस मोहम्मद साहब की या महामत की बात हो रही है जिसके साथ मैच किया जाकिर नायक साहब ने, वो तो एक पिसाज है, एक असुर है, एक राक्षस है। राक्षस मतलब बुरे बुरे किस्म का व्यक्ति।
जो पिछले जन्म में इंसानों को खाता था उसका पुनर्जन्म बताया गया है महामत को, जिसको आपके जाकिर नायक ने मोहम्मद बना दिया है। नहीं, आपने क्या नाम डिबिट भाई? ब्रह्म राक्षस नाम है मेरा जी। क्या बोलते हैं, राक्षस का मतलब क्या होता है? राक्षस का अर्थ होता है गलत कृत्य करने वाला, यानी इंसान ही होता है ना, कोई दूसरा तो नहीं। लौकिक तौर पे देखेंगे तो इंसान हो सकता है, पारलौकिक तौर पे अलग मतलब भी निकल सकते हैं उसके। जी बताइए। नहीं, पहले आप ये साफ कर दीजिए कि वो इंसान ही होता है या कोई दूसरी मखलूक होती है। इंसान होता है, मैं लौकिक तौर पे मानता हूँ जी, इंसान होता है। बताइए। नहीं, ये आपकी ये जबान मुझे नहीं समझ में आती, लौकिक अनलौकिक, तो उसका तो फिजिकल नॉर्मल जो चीजें आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं, जो अपनी आंखों से देख सकते हैं, जिनको समझ सकते हैं, उनको लौकिक कहा जाता है। हाँ, लौकिक तौर पे इंसान ही होता है जो दुष्कर्म करता है, गलत काम करता है। जी, तो इसके अंदर जो मतलब ये आपका जो भविष्य पुराण जो है, इसके अंदर जो लिखा गया है, तो वो मतलब किसी राक्षस के बारे में लिखा गया है जी। तो ये राक्षस के आने से पहले क्या लिखा गया है, राक्षस के आने के बाद लिखा गया है? जो महाभत नाम का चरित्र है उसे राक्षस कहा गया है, आप जाकिर नायक साहब की बात से इत्तेफाक रखते हैं या नहीं रखते? पहले भाई ये तो प्रूफ कर ले कि भविष्य पुराण सही है या गलत। नहीं नहीं, सही है या गलत है वो इशू नहीं है, मसला ये है कि जाकिर नायक ने इसको, सुनो, पुराण गलत है तो जाकिर नायक ऑलवेज गलत ही हो जाएगा। अच्छा, मतलब चूंकि जाकिर नायक साहब ने इसी हवाले को मद्देनजर रखते हुए, इसी का रेफरेंस देते हुए ये बात ऑडियंस में या पूरी दुनिया के सामने रखी है कि मोहम्मद साहब का जिक्र हिंदू ग्रंथों में है, धर्म ग्रंथों में, तो क्या आप उनकी बात से इत्तेफाक रखते हैं या नहीं रखते? बात का मसला तो बाद में आएगा, अगर इत्तेफाक रखते हैं तो हाँ बोलिए, और नहीं रखते तो नहीं बोलिए, फिर अपना बात रखिए इनके सामने। मैं वही कह रहा हूँ भाई कि अगर ये किताब ही गलत हो जावे तो जो जाकिर नायक साहब ने जो बोला है वो तो ऑलवेजली, आप जो बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, एकदम देखो तो अपने आप गलत हो जाएगा। पॉइंट ये नहीं है, पॉइंट ये नहीं है। अगर डिफेंड करने पे आएंगे तो हम इसको पूरा सही सिद्ध कर देंगे मेरे भाई, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बात हमारे एक राक्षस की हो रही है, जो एक राक्षस है, गलत कर्म करता था, पिछले जन्म में इंसानों को खाता था, खून पीता था, उसने पुनर्जन्म लेके एक महामद नाम का मतलब महामद नाम से जन्म लिया उसने, ठीक है। ये हमारी अपनी कहानी चल रही थी। अब इस कहानी को लेके अगर तुम्हारे जाकिर नायक साहब ने अपने रसूल को सिद्ध करने का प्रयत्न किया हमारे ग्रंथों में, तो तुम क्या अग्री करते हो इस बात से? क्या ये राक्षस जिसका वर्णन भविष्य पुराण में किया गया है, क्या तुम उसको अपना रसूल मानते हो? देखो, जब उन्होंने ये इसमें जो इस पुराण में जो इसमें जो लिखा गया है भविष्य पुराण में, जिस मतलब उनके जो चीजें बताई गई, मेरा चैनल होता, मेरा चैनल होता, आप हाँ या ना में जवाब दे रहे होते मित्र, तो आप हाँ या ना में एक बार जवाब दे दें, आप अग्री करते हैं नहीं करते हैं, उसके बाद आप पूरा एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं अगर कहते हैं। भविष्य पुराण में जिस तरह लिखा है तो ये हमारे रसूल नहीं है, बराबर। थैंक यू। फिर जाकिर नायक का क्या करे, तो क्या करें, मतलब मिक्सर में डाल के वो धोखा दिया उन्होंने हैं? क्या आप ये मानते हो, आप जब कह रहे हैं कि नहीं है और जाकिर नायक वो साबित करने की कोशिश कर रहा है यही हवाला देके, तो वो धोखाधड़ी हुई, दगाबाजी हुई, तो क्या आप मानते हो, ये एक्नॉलेज करोगे कि जाकिर नायक साहब धोखा दिया करोड़ों लोगों को, क्योंकि उनको करोड़ों लोग देख चुके हैं? तो अभी मैं आपकी बात को खुलासे से पूछ सकता हूँ? पहले ये बात कन्फर्म करो, उसके बाद खुलासे से पूछना। आप कैसे बोल सकते हो कि उन्होंने धोखा दिया? अगर उन्होंने इसी रेफरेंस को देकर बोला हो तो धोखा कैसे दिया? आपने अभी एमजे साहब, मैं क्यों धोखा दिया बोल रहा हूँ? सुनो, एमजे साहब, मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपने खुद इसको मना कर दिया कि भाई ये हमारे रसूल नहीं है। हाँ, इस वजह तो उन्होंने फिर धोखा दिया है। मैं वही कह रहा हूँ ना, अगर वो इस रेफरेंस को देखकर अगर बोल रहे हैं, जैसे इन्होंने अभी इसका तर्जमा दिखाया और तर्जुमे के अंदर भी, एक मिनट, हीटेड डिबेट भाई, वो जाकिर नायक का जरा फिर से ये जो हवाला दिया है वो जरा फिर से वीडियो बताओ इनको भाई, इतना टाइम नहीं है, वो है ना, देख लो फिर।
चालाकी नहीं, आज चालाकी नहीं चलने देंगे हम। आपने डिसओन, हाँ ये रेफरेंस को डिसओन कर दिया, जाकिर नायक को भी डिसओन करे, बोले के धोखेबाज है वो। आप लोग चालाकी करेंगे कि भाई हम डिसओन भी कर देंगे और अपने जाकिर नायक को गलत भी नहीं बोलेंगे, तो ऐसा हम नहीं चलने देंगे ना भाई, ये तो गलत तरीका है आप लोगों का। हाँ ये अच्छे से सुन लो, बेस को शेयर कर दीजिए। और मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि जिस व्यक्ति ने आपके रसूलुल्लाह की इतनी बेहुर्मती की कि उसे राक्षस बना दिया, उसे खून पीने वाला बना दिया, उसे अपनी ही खुद की, अच्छा बहरहाल डिटेल में नहीं जाएंगे, तो उसके साथ आप उसके बारे में क्या कहेंगे आप? मैं हाँ ये थोड़ा चला दो पहले। लिखा हुआ है कि मलेशिया अरब जमीन को खराब कर चुका है, एक दुश्मन था जिसे मैंने नष्ट किया, अभी और एक बार वो भेजा। इसमें लिखा हुआ पुराना पर्व 3 मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भविष्यवाणी, भविष्य पुराना पर्व 3 खंड 3 अध्याय 3 श्लोका 10 से 27 में भी है। पर्व 3 खंड 3 अध्याय 3 श्लोका 10 से 27 ठीक है, ये इन्होंने रेफरेंस दिया है ठीक है, और मैं वही रेफरेंस आपके सामने खोलने जा रहा हूँ। भैया उनको ऊपर ले सकते हैं प्लीज। हाँ आगे साहब। हाँ देखो बच्चा, ये लीजिए, ये एग्जैक्ट वही श्लोक है, 10 से 27 कहा था मैं आपको जो है, ये 10 से 27 यहाँ है, इसी में त्रिपुरो बलि दैत्य ने प्रेषिता पुनरागता, 11वां श्लोक है कि बलि दैत्य के प्रेषित करने पे वो त्रिपुरासुर वापस आया है महामद नाम से। जी बताइए भाई, आपके आपके मोहम्मद साहब को जो है राक्षस बना दिया, खून पीने वाला, मांस खाने वाला, इंसानों का मांस खाने वाला बना दिया इन्होंने, क्या कहेंगे? एग्जैक्ट सेम रेफरेंस भैया जी। क्या आपका नाम क्या बताया था आपने भाई? हिटेड ब्रह्म राक्षस है जी। अच्छा ब्रह्म राक्षस है जी। मैं ये कहना चाहूंगा कि अभी मैं जवाब दे रहा हूँ, लेकिन ऐसा ना हो कि मेरे जवाब देने के बाद आप मुझे निकाल, सवाल ना सुनो। मैं निकाल ही नहीं सकता आपको जी, मैं साहिल भाई को बोल रहा हूँ, वो निकाल देंगे, वो मेरा सवाल ही नहीं लेंगे, बहुत मर्तबा का तजुर्बा है। पॉइंट पे रहेंगे वो, कभी नहीं निकालेंगे, मैंने इनको बहुत दिन से ऑब्जर्व किया है। आप पॉइंट रहेंगे, आप अपनी बात रखो ना एमजे भाई, बात रखो ना अपनी। ने जो बात कही है इसके अंदर जोड़ कर वो गलत है भाई। मैं बात जोड़ के नहीं बता रहा, मैं तुमको संस्कृत का श्लोक बता रहा हूँ जो उसने कोट किया है, संस्कृत आती है। नायक ने इस बात को अगर लिया है और इसको जोड़ा है हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, तो वो उसने गलत कहा है। और उसने राक्षस कहा है भाई तुम्हारे महापुरुष को? अरे भाई उसने गलत कहा है, मैंने कहा ना। तो राक्षस कहा है तो सिर्फ गलत बोलने से चल जाएगा क्या? गाली नहीं दोगे? दो किसको? जाकिर नायक को। रसूलुल्लाह को राक्षस बता रहा है, ऐसे को सिर्फ गलत कहा है बोल के छोड़ दोगे कि गाली भी दोगे? और सामने होते तो तब मारते नहीं उसको? अरे भाई उसने कहां कहां के राक्षस है? अब तुमने जो सवाल किया था मैंने उसने भाई भाई भाई, भाई भाई अच्छा मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको, मैं एक एग्जांपल देता हूं। नहीं एमजे साहब मैं एक एग्जांपल देता हूं, सुनो ब्रह्म राक्षस भाई, आपने सवाल किया था जवाब दे दिया। एमजे साहब मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं। हां मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, आपने कहा कि उसने राक्षस कहां कहा है, मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको। मैं आपको कहूंगा कि आपके जो वालिद साहब है ठीक है, वो क्राइम मास्टर गोगो है ठीक है, क्राइम मास्टर गोगो का दूसरा नाम जो है, समझो आपके वालिद का नाम अब्दुल्ला है और क्राइम मास्टर के, क्राइम मास्टर गोगो का एक नाम है अब्दुल्ला और वो है क्राइम मास्टर गोगो, आता हूं तो कुछ लूट के जाऊंगा ठीक है। मैंने ये नहीं बताया कि आपके वालिद साहब जो है, मैं जिस क्राइम मास्टर गोगो की बात कर रहा हूं वो एक लुटेरा है, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि आपके वालिद साहब जो है वो क्राइम मास्टर गोगो है। फिर आपको किसी ने बताया कि भाई जो आपके वालिद साहब को जिससे ये मैच कर रहा है वो तो एक लुटेरा है, लेकिन मैंने तो आपको नहीं कहा कि वो लुटेरा है, मैंने सिर्फ उसका नाम बताया। आपने जब देखा तो आपको पता चला कि क्राइम मास्टर को एक लुटेरा है, लूट के जाता है, जब भी आता है कुछ लेके जाता है। अब आप ये बताइए कि मैंने आपके वालिद साहब की गुस्ताखी की या नहीं की? एमजे साहब जी मैंने आपकी बात सुनी ही नहीं, मैं अभी उसको वो किया था, आवाज एकदम डिम किया था आपने जब ये ब्लू हुआ
तो आपस में नमाज बराई है। नहीं मेरी बात सुनो, नहीं नहीं ऐसा नहीं भाई, ऐसा नहीं चलेगा। तहम्मुल से पहले आप सुन ले हम लोग पूछना क्या चाह रहे हैं, क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं आवाज धीम ही कर दूंगा, आपने सवाल किया था, मैंने जवाब दे दिया ना। नहीं दिया आपने, क्या क्या जाकिर नायक ने, क्या जाकिर नायक ने रसूलुल्लाह की गुस्ताखी की या नहीं की, इसका सवाल आप, इसका जवाब आपने नहीं दिया। तुमने सवाल किया था कि जाकिर नायक ने जो इसमें बात कही है वो सच है या झूठ है। मैंने बता दिया कि जाकिर नायक ने जो इसके अंदर हमारे नबी को जोड़ा कि भाई इसके अंदर जो बताया गया हमारे नबी के मुताबिक किया नहीं की, गलत कहा है, बात खत्म हो गई। इसका नहीं खत्म होती है, नहीं खत्म होती है ना, क्योंकि गुस्ताखी पे तो तुम लोग दूसरे के गले काटते हो यार, ऐसा कैसा खत्म हो जाएगी बात। इसी गुस्ताखी को लेके तो नुपुर शर्मा के तुम लोग पीछे पड़ गए थे, इसी गुस्ताखी को लेके तो तुमने उस टेलर का कत्ल कर दिया तुमने, इन द सेंस जो मानता था। ये गुस्ताखी के ऊपर तो तुम लोग जीना हराम कर दियो सबका। आज हम लोग को छुपके जिंदगी गुजारना पड़ रहा है, फैमिली छोड़ दी, फैमिली वालों ने छोड़ दिया, दोस्तों ने छोड़ दिया, लोग गालियां दे रहे हैं, किस वजह से, इस गुस्ताखी की वजह से। तो ऐसा कैसा छोड़ देंगे, चालाकी करने देंगे तुमको, मीठा मीठा हप हप कड़वा कड़वा थू थू, ऐसा थोड़ी ना करने देंगे आपको। जब आप उस स्ट्रीम पे आए हो जिसकी स्ट्रीम जो है पूरा जाकिर नायक के उस बयान पे टिकी हुई है, जिसमें उसने हिंदू स्क्रिप्चर से मोहम्मद साहब को साबित करने की कोशिश की, तो उस पे आप चाहते हैं कि हम आपसे सवाल भी नहीं करें। करना तो पड़ेगा, अगर नहीं देना है तो जाओ फिर हम दूसरे से कर लेंगे। अब ये बताओ कि जाकिर नायक साहब ने गुस्ताखी की या नहीं की है। तो आपको किसी ने नहीं मारा, आप बोलते हो कि जा यार। चलो हीटेड डिबेट भाई, आप आगे का हवाला बताओ फिर दूसरे मुस्लिम को लेंगे। ठीक है भैया, मैं बस एक एक रखने से पहले एक छोटा सा वो दे देना चाहता हूँ, एग्जांपल दे देना चाहता हूँ कि एमजे भाई, अगर एक कोई चंपक नाम की किताब है और अगर मैंने उसमें कहा कि आपके पिता के बारे में मैंने एक वर्णन पढ़ा है और आप इस चंपक के किताब के इस अध्याय में पढ़ लीजिए, और जब आप उस चंपक किताब को खोल के देखते हैं तो उसमें आपको पता चलता है कि जिस व्यक्ति के बारे में कहा गया है वो एक चोर है, लुटेरा है, लोगों का खून पिए जाता है, अपनी भगनी के साथ संभोग करता है, तो आपको बुरा नहीं लगेगा कि आपके पिताजी के बारे में ये सारी चीजें कह दी गई? और ये जो भी मुस्लिम आने वाले हैं डिबेट करने वो इस प्रश्न को ध्यान में रखें प्लीज। भैया आगे बढ़े, बहुत बहुत जी जी बिल्कुल आगे बढ़ते चलिए जी भैया। अमन सलामती पर अरबी में कहते हैं, पाठ नंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र है भविष्य पुराना में, पर्व 3 खंड 1 अध्याय 3 श्लोकाज 21 से 23 में भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मंत्रा नंबर 1 से 14 पाठ नंबर अथर्वावेद में भी है, किताब नंबर 20 पाठ नंबर 127 मंत्रा नंबर 1 से 14 तो अगर कोई पेपर पेन लेके बैठा हुआ है तो प्लीज नोट कर ले, अथर्ववेद का मंडल 20 सूक्त 127 मंत्र 1 से लेके 14 तक, ये भाई साहब हमारे कह रहे हैं कि मोहम्मद साहब का जिक्र है, मंडल 20 सूक्त 127 मंत्र 1 से लेके 14 जी। वक्त की किल्लत होने के वजह से, वक्त की कमी होने के वजह से सारे 14 मंत्रों का तस्करा मैं नहीं कर सकता हूं, सिर्फ पहले दो का करूंगा। मंत्रा नंबर 1 में लिखा हुआ, इसे कहते हैं, ये 14 मंत्रा को कहते हैं कुंटप सुक्ता। कुंटप मतलब परेशानी से दूर करना, कुंताप सुक्त कहते हैं, कुंताप सुक्त, कुंटप सुक्ता जैसी कोई चीज नहीं होती। उसके मानी है अमन सलामती और अरबी में कहते हैं इस्लाम। कुंटप सुक्ता के मानी है और एक मानी है हिडन ग्लैंड्स इन द एब्डोमेन, और इसके मानी भविष्य में लोग को पता चलेंगे, अभी नहीं पता। कुंटप सुक्ता में
ये मनगढ़ंत कहानी है, इसका सच से कोई लेना देना नहीं है और इस चीज का आपको रेफरेंस भी नहीं मिलेगा। अथर्ववेद किताब नंबर 20 पाठ नंबर 127 मंत्र नंबर 1 में लिखा है, नरशंसा आएगा, कौरमा आएगा और उसके 60,000 दुश्मन होंगे। मंत्र नंबर 1 में लिखा है, आएगा एक ऋषि जो है नरशंसा, कौरमा, उसके 60,000 दुश्मन होंगे। मंत्र नंबर 2 में लिखा है वो ऋषि, मंत्र नंबर 1 में लिखा है कि एक ऋषि आएगा नरशंसा नामक नाम का, जिसके 60,000 दुश्मन होंगे। मैं रेफरेंस शेयर किए दे रहा हूँ, कितना बड़ा मक्कार है ये व्यक्ति। सलभी आवाज आ रही है ना मेरी? आ रही आ रही है। और जब ये बता दोगे तो हम एक नारा लगाएंगे, मक्कार है मक्कार है, और आप लोग कमेंट में फिर मेंशन करेंगे जाकिर नालायक मक्कार है। पहले आप हवाला बताएं, पहले प्रूफ, उसके बाद बात। हाँ, ये कुंताप सूक्त की बात कर रहे थे, अथर्ववेद के मंडल 20 127वें सूक्त के मंत्र नंबर 1 की बात कर रहे थे। तो मैंने जो पहले स्ट्रीम शुरू होने के टाइम पे मैंने बताया था कि ये लोग एक शब्द पकड़ लेते हैं, उस शब्द को रिलेट कर देते हैं, फिर उस शब्द को लेके उड़ जाते हैं। हाँ, नरशंस का अर्थ जो है, जो भाष्य है वो किया गया है मनुष्यों में प्रशंसा वाला पुरुष, लेकिन यहाँ पे लिखा क्या है, हे मनुष्यों यह आदर से सुनो, नराशंस मनुष्यों में प्रशंसा वाला पुरुष बड़ाई किया जावेगा, हे पृथ्वी पर रमण करने वाले राजन, 60,000 और 90 को हिंसकों को के फेंकने वाले वीरों के बीच हम पाते हैं। क्योंकि ये ओल्ड संस्कृत है, ये वैदिक संस्कृत है, तो इसको जब आप सेंटेंस फॉर्मेशन करने जाएंगे तो थोड़ा सा उटपटांग लगेगी। इसका भावार्थ नीचे दिया हुआ है, हमारे हमारे ब्राह्मणों ने, हमारे विद्वानों ने किया है। उत्तम कर्म करने वाला मनुष्य संसार में सदा बढ़ाई पाता है, यह विचार कर राजा कर्म कुशल वीरों के बीच आदर करके सुपात्रों को अनेक दान देवे। एक्चुअली इस वाले सूक्त का कॉन्टेक्स्ट ये है कि राजा को किस प्रकार से रिवॉर्ड करना चाहिए अपने क्षत्रियों को, अपने देश के वैश्यों को, और अपने देश के क्षत्रियों को, अपने देश के ब्राह्मणों को, और अपने देश की जो सर्विस क्लास होती है उसको किस प्रकार से रिवॉर्ड करना चाहिए। तो इसमें लिखा गया है कि जो 60,000 और 90 ये क्वांटिटी है जो क्षत्रियों के बीच बांटनी है, जिन्होंने अपने राष्ट्र की रक्षा करते हुए कौशल दिखाया है। ठीक है, कहीं से भी 60,000 शत्रु का वर्णन नहीं है। जो प्रशंसनीय कहा जा रहा है वो उस राजा को कहा जा रहा है जो अपने सैनिकों को, जो युद्ध में कौशल दिखाते हैं, जो राष्ट्र रक्षा में कौशल दिखाते हैं, उन्हें रिवॉर्ड करता है, उन्हें अच्छे से रिवॉर्ड करता है, उसे प्रशंसनीय कहा जा रहा है और उसे आदेश दिया जा रहा है कि इस तरीके से अपने सैनिकों को रिवॉर्ड करें। कोई नरशंस नाम का ऋषि यहाँ पे नहीं है जो आएगा, यहाँ पे उस राजा को प्रशंसनीय कहा जा रहा है। सेल्विया क्या करती है? मैं अपनी स्क्रीन पे होता मैं 4-5 गालियां दे चुका होता अभी इस व्यक्ति को। अरे बिंदास दो। गजब चूतिया है, गजब चूतिया, गजब मक्कार है ये व्यक्ति भाई, मक्कार है मक्कार है। लिखो सारे इस पे कमेंट बॉक्स में, लिखो आगे की बात, मक्कार है मक्कार है, जाकिर नालायक मक्कार है। देखो इस तरीके से मक्कारी की जाती है दोस्तों, आप समझे ये टॉपिक मैंने क्यों उठाया। एक तो हीटेड डिबेट भाई का बहुत बहुत शुक्रिया कि एक तो नॉलेज रखते हैं, दूसरा एक ही बात पे वो रेडी हुए आने के लिए, थैंक यू सो वेरी मच। ये टॉपिक उठाने का मकसद ही यही था कि आप लोगों को मक्कारी दिखाई जाए, ऐसे धोखा देते हैं, कुछ कहा कुछ और जा रहे, जबरदस्ती अपने आप को, वो कहते ना उंगली कटा के शहीदों में अपनी गिनती करवा लेना। एग्जैक्टली, मतलब तो तेरे बाप के दो पैर, मेरे बाप के भी दो पैर नहीं कटी है। हेटेड डिबेट भाई, इधर तो उंगली भी नहीं कटी है फिर भी अपने आप को शहीद की गिनती में गिनवा रहा है ये।
और साल भैया एक बात कहनी थी कि आपका जो प्लेटफॉर्म है उसकी वजह से कितने लोगों की आंखें खुलेंगी, तो आपका धन्यवाद है हमें आमंत्रण देने के लिए और हमें स्टेज देने के लिए। बहुत शुक्रिया भाई, बहुत बहुत शुक्रिया जी। कुछ नंबर्स का भी आप बता रहे थे ना, वो जो नंबर बताया उसने। हाँ, ये नंबर का जो मैं बता रहा था, आप याद रखिए ध्यान से, अथर्ववेद मंडल 20 सूक्त 127 मंत्र नंबर 1 जो रेफरेंस वो दे रहे थे, वही रेफरेंस हम आपको दिखा रहे हैं। आप वैदिक स्क्रिप्चर से जाके चेक कर सकते हैं अगर किसी को जरा सा भी डाउट हो तो। जो भविष्य पुराण के मैंने रेफरेंस दिए हैं वो आर्काइव से पढ़ सकते हैं, जो वेदों के रेफरेंस मैं दे रहा हूँ vedicscriptures.in से जाके चेक कर सकते हैं अगर किसी को कंटेस्ट करना है कि मैंने कोई गलत रेफरेंस दिया हो तो। जी बहुत जबरदस्त, आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल, ये आपका स्क्रीन। ऋषि ऊंट चलाकर आएगा, मंत्र नंबर 1 में कहा गया है उसका नाम होगा नरशंसा। नरशंसा संस्कृत लफ्ज है जिसके मानिए नर, नर माने आदमी, शंसा मतलब प्रशंसा, तारीफ करना, वो आदमी जो तारीफ के लायक है। और अगर हम अरबी में तर्जुमा करते हैं हम कहेंगे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाम था आखिरी पैगंबर का। उसका तर्जुमा हिंदी में करते हैं तो भैया इनके रसूल का नाम मोहम्मद हो चुका है और मोहम्मद का अर्थ है बड़ाई की जाए जिसकी, तो बड़ाई शब्द जो है वो आप अपने शास्त्रों में उपयोग करना छोड़ दीजिए वरना ये वहां पर ये लॉजिक अच्छी है। जी भैया, मैं इनफैक्ट जो है जब मैं छोटा था इन सब मतलब इससे शास्त्रों में कोई इंटरेस्ट तो था नहीं, जब मैं इसको सुनता था तो काफी, मैं उस एज में था, मैं चूतिया ही था, मतलब 12-13 साल का बच्चा कितना ही बुद्धिमान होगा, तो मैं प्रभावित हो गया था इससे कि भाई इतना इंटरेस्ट लेता है हिंदू धर्म में, एकता की बात करता है। आज की डेट में समझ में आता है इसने कितनी मकारी की है पूरी पूरी पूरे देश के साथ। बिल्कुल सही कहा आपने जी भैया, चलाएं। हाँ, आगे बढ़ते हैं। हो जाता है तारीफ के लायक, वो आदमी जो तारीफ के लायक है। मंत्र नंबर 1 में आगे लिखा है वो है कौरमा। कौरमा के मानी अमन का शहजादा, सलामती का शहजादा। अगर पूरा देवबंद कौरम का शब्द का अर्थ ये सिद्ध कर दे तो मैं वेद पढ़ना छोड़ दूंगा। जो अमन का शहजादा ये बोल रहे हैं, इसके बाद जो ये अर्थ लेने वाले हैं वो रमण करने वाले से अर्थ लेने वाले हैं, रमण को ये हिजरत बताने वाले हैं। रमण मतलब पृथ्वी पर विचरण, घूमने वाला, पृथ्वी पर जिसने जन्म लिया है, जिसने जो रहा है उसकी बात की जा रही है। इसको ये हिजरत से जोड़ने का प्रयत्न करेंगे, आप इनकी मक्कारी ध्यान से समझने का प्रयत्न करिएगा जितनी भी ऑडियंस है। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलामती अमन के शहजादे थे। कौरमा के और एक मानी है जो आदमी हिजरत करता है। हम जानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत की थी। और मंत्र 1 में भी लिखा है कि उसके 60,000 तकरीबन 60,000 दुश्मन होंगे। और हम जानते हैं तारीख कहती है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन तकरीबन 60,000 थे जो मक्का की आबादी थी। तो 60,000 जो है जो युद्ध में या राष्ट्र रक्षा में कौशल दिखाए जाने वाले लोग हैं उनको यूनिट्स प्रदान करने हैं, उसको इस प्रकार से रिवॉर्ड करना है। और ये 60,000 का अर्थ जो है वो शत्रु कर चुके हैं, क्योंकि शायद मक्का की कहीं आबादी जो है वो 60,000 के आसपास रही होगी। मक्कारी का स्तर देखिएगा आप। जी सही है जी, बहुत जबरदस्त जी। जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ थे शुरू में, मंत्र नंबर 2 में लिखा है वो ऋषि ऊंट चला के आएगा। कोई भी ब्राह्मण कभी भी ऊंट नहीं चलाएगा, क्यों? मनुस्मृति पाठ नंबर 11 श्लोक नंबर 202 में लिखा है ब्राह्मण कभी भी ऊंट नहीं चलाना चाहिए।
हाँ तो भाइयों बहनों, मनुस्मृति के पाठ नंबर अध्याय 11 के श्लोक 202 में लिखा हुआ है कि ब्राह्मण ऊंट नहीं चलाना चाहिए। आइए देख लेते हैं मनुस्मृति के अध्याय 11 के श्लोक 202 में क्या लिखा हुआ है। एक सेकंड दें आप हमें। अच्छा, एक साथ दो स्क्रीन शेयर कर सकते हैं, जैसे मतलब कि जब जरूरत पड़े तो उसको ऊपर ला दें और फिर वो मेरे ख्याल से पूरा विंडो शेयर करना पड़ेगा आपको, ताकि आप यहां से वहां टॉगल कर सकते हैं। विंडो शेयर कर लीजिए तो हो जाएगा, थोड़ा उसमें थोड़ा सिक्योरिटी का इशू रहेगा भैया। मैं हां चलो फिर एक एक कर दो, कोई मुश्किल नहीं। ठीक है भैया, ये आप देख रहे हैं मनुस्मृति के अध्याय 11 का 202, जिसमें जाकिर नायक साहब बता रहे हैं कि ब्राह्मण को ऊंट नहीं चलाना चाहिए। उसमें देखते हैं लिखा क्या हुआ है। लिखा हुआ है, वैसे ये श्लोक प्रक्षिप्त है विशुद्ध मनुस्मृति के अनुसार, बहरहाल लिखा है इसमें यह है, आर्त रोगी मनुष्य जल के बिना अथवा जल में शरीर से उत्पन्न मलमूत्र करके गांव से बाहर वस्त्र रहित स्नान करें। अच्छा, एक चीज इसमें ध्यान दीजिए, क्योंकि संस्कृत लिखने का तरीका होता है, जल में मलमूत्र नहीं करना है, नहीं तो कल सैम स्टलोन जो है इस पे स्ट्रीम करने बैठ जाए कि जल में मलमूत्र करने के लिए कह रहे हैं। इसमें कह रहे हैं जल में स्नान करना है, मलमूत्र करके रोगी व्यक्ति के लिए कहा जा रहा है, उसको क्वारंटीन करने के लिए कहा जा रहा है, जिसको इन्फेक्शियस डिजीज है उसको जो मल त्याग करना है वो शहर की सीमा के या गांव की जो आबादी है उसके बाहर करना है, ताकि जो बाकी की सिविलाइजेशन है, जो निवासी हैं, उनमें रोग ना फैले, उसके बारे में कहा जा रहा है। और मैं जाकिर नायक और उनके चेलों को एक चैलेंज करना चाहता हूं कि इसमें किसी भी शब्द का अर्थ मुझे ऊंट दिखा दें या ब्राह्मण दिखा दें। आगे लिखते हैं, गांव से बाहर वस्त्र सहित स्नान करके, गौ का स्पर्श करने से शुद्ध होता है। जो क्वारंटीन व्यक्ति है, जो इन्फेक्शियस डिजीज से ग्रसित है, उसको मलमूत्र का जो त्याग है वो सिविलाइजेशन से बाहर करना चाहिए, इसमें ये बात की जा रही है। लेकिन हमारे जाकिर नायक साहब ने ऊंट और ब्राह्मण घुसा दिया है यहाँ पे, और दिक्कत हमारी है क्योंकि हम मनुस्मृति नहीं पढ़ते हैं और हम अपने वेद नहीं पढ़ते हैं, तो हम मूर्ख। तो इसमें आप ये कहना चाह रहे हैं कि अभी आपने जो रेफरेंस पढ़ा है इसमें ये कहीं नहीं लिखा है कि ब्राह्मण जो है वो ऊंट पे नहीं बैठेगा? बिल्कुल नहीं लिखा है भैया। तो भाई इतना बड़ा धोखेबाजी एक इंसान कैसे कर सकता है? आपके आपके सामने है, कहिए तो मैं मनुस्मृति बुक खोल कुछ एक मतलब दूर का भी कुछ लेके हो सकता है क्या? ऊंट को यहाँ पे अपन शामिल कर सकते हैं? दूर का नहीं हो सकता भैया, इसलिए मैंने आपको जो है भावार्थ नहीं दिखाया, मैंने आपको पदार्थ भी दिखाया है। इसमें जो आर्थ का अर्थ है, एक सेकंड दीजिएगा, मैं इसमें जो आर्थ का अर्थ है वो रोगी मनुष्य है, बिना अवधि व अपसु अपि, इसका अर्थ है जल के बिना अथवा जल में, शरीरम सन्निवेश्य का अर्थ है शरीर से उत्पन्न मलमूत्र का त्याग करके, बाह्य सचैल आपलुत्य गांव से बाहर वस्त्र सहित स्नान करके, गाम आलभ्य विशुद्ध यति गौ का स्पर्श करने से शुद्ध होता है। मैंने शब्द सशब्द ट्रांसलेट कर दिया है, ना इसमें ऊंट का शब्द है ना इसमें ब्राह्मण का शब्द है भैया। देखिए दोस्तों, सुन रहे हो, देख रहे हो किस लेवल पे मक्कारी की जाती है स्टेज पे। हाँ, और इस लेवल की मक्कारी करने की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि उस मंत्र में, अथर्ववेद के मंत्र में ऊंट है, तो ऊंट से हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन ऊंट से इन्हें फिर दिखाना था कि जो ब्राह्मण नहीं कर सकते, और ये व्यक्ति हाँ। इतना मूर्ख है कि जो ऊंट की बात की जा रही है वो क्षत्रियों के लिए की जा रही है, क्षत्रियों के लिए की जा रही है, तो ब्राह्मण का तो वैसे भी कोई तुक नहीं बनता है, क्या क्षत्रियों और वैश्यों के लिए की जा रही है ये महान व्यक्ति जो है। आइए आगे श्लोक देखते हैं ना, उसने कहा कि ऊंट पे चढ़ के आएगा, उसमें दिखाते हैं क्या लिखा हुआ है। हाँ। जी ये आ गया, ये आपका उसी सूक्त का जो है मंत्र नंबर 2 है, उसका पदार्थ सहित मैं पढ़ रहा हूं ताकि किसी शब्द में कंफ्यूजन ना हो। जिस राजा के रथ से ले चलने वाले शीघ्रगामी जुटे हुए, मतलब जुड़े हुए रथ से जुड़े हुए ऊंटनियों सहित 2 बार 10 मतलब 20 ऊंट उत्तम मनुष्य के ऊंचे पद का अपमान करते रहते हैं। ठीक है, इसका कुल मिला के भावार्थ ये, क्योंकि ओल्ड इंग्लिश का शब्द ट्रांसलेशन है तो पदार्थ आप लोगों को समझ में नहीं आएगा,
इसका भावार्थ ये है, राजा बीसहु ऊंट ऊंटनी के को रथ आदि में जोत कर, मतलब जोड़ कर उनके उद्यम करे करावे ए और उद्यमी लोगों को बहुत से उचित पारितोषिक देवे। तो वहां पे क्षत्रियों की बात की जा रही थी जिन्होंने राष्ट्र हित में राष्ट्र रक्षा में विशेष कौशल दिखाया था, यहाँ पे वैश्यों की बात की जा रही है जो इंटरप्राइज करते हैं, जो बिजनेस करते हैं, जो नए नए इनिशिएटिव लेते हैं, जो बिजनेस स्थापित करते हैं, उनके लिए कहा जा रहा है कि राजा खुद भी उद्यम करे, राजा खुद भी अपना एक, राजा सिर्फ कर पे ना लगा रहे कि टैक्स का पैसा आएगा उससे हम अपना घर चलाएंगे, उससे अपना वो चलाएंगे, राजा के भी जो राज्य से चलने वाले उद्योग हैं वो होने चाहिए, और जो उद्यमी हैं, जो उद्यम में लगते हैं, जो बिजनेस में लगते हैं, उनको इस प्रकार से पारितोषित करे, उन्हें रिवॉर्ड करे ताकि वो उद्यम लेने के लिए और इंसेंटिवाइज हों। ठीक है, ये जो भावार्थ है ये दो और तीन दोनों का है, तो तीन में भी आप यही देखेंगे, आप यहाँ ध्यान से देख सकते हैं, ये दो और तीन दोनों का भावार्थ है। तो आधा श्लोक जो है ये दो का है, उसके बाद आधा श्लोक ये तीन का है, तो दो और तीन का यही अर्थ है कि पहले श्लोक में बताया गया था कि क्षत्रियों को जिन्होंने विशेष कौशल दिखाया था उन्हें किस प्रकार जो है रिवॉर्ड करना है, इसमें बताया जा रहा है जो वैश्य है जो बिजनेस वगैरह में इन्वॉल्व है उनको किस प्रकार से रिवॉर्ड करना है। आगे के दो मंत्रों में ये दिखाया जाने वाला है, लेकिन ये व्यक्ति क्या दिखाएगा आप देखेंगे अभी। जी भैया कंटिन्यू करें। हाँ, इसको एक सिंपल से लैंग्वेज में जैसा हमारी आम भाषा होती है उसमें अगर आपको शॉर्ट में बताना है तो कैसे बताओगे? जैसे पहले वाले मंत्र में बताया गया था कि सोल्जर्स को कैसे रिवॉर्ड करना है जो अपना काम सही से कर रहे हैं, दूसरे और तीसरे वाले मंत्र में बताया गया है कि जो आपके कंट्री के बिजनेसमैन है, इंडस्ट्रियलिस्ट है, उनको कैसे रिवॉर्ड करना है, सिर्फ इतनी सी बात चल रही है। जी इसमें कोई थोड़ा सा रुक के अंसारी केजी पहले आई थी, अच्छा ड्रॉप हो गई, अंसारी केजी आई थी ड्रॉप हो गई, ठीक है जाने दीजिए। फ्री थिंकर साहब भी हमारे साथ जुड़े हैं, फ्री थिंकर साहब आपका स्वागत है। भैया नमस्ते जी, बहुत बहुत शुक्रिया साहिल भाई और हमारा हीटेड डिबेट भाई, कैसे है साहिल भाई, कैसे आप? जी भाई हम एकदम ठीक है, फर्स्ट क्लास जी। और बाकी उम्मीद करता हूँ हमारे सारे व्यूअर सारे दोस्त अच्छे ही होंगे। बहुत जबरदस्त। अच्छा हमारे साथ अंसारी के जी जुड़ी हैं। अंसारी के जी से बात करने से पहले मैं एक अपडेट ये दे दूं कि चूंकि हमारे हुज्जतुल मुर्तदीन साहब की तबीयत आप लोग जानते हैं कि नासाज है और कल वो शाम की जो जयपुर डायलॉग की स्ट्रीम थी उसमें भी वो उस वजह से नहीं जुड़ पाए, आज भी शायद उनको मौका नहीं मिलेगा जुड़ने का, काफ़ी उनके हाथ में दर्द है। तो कल की स्ट्रीम के बजाय जो हमारे एडम साहब के चैनल पे होती है एडम शिखर उर्दू पे, वो मंडे को होगी। एक अपडेट आप सभी लोगों को दे दूँ, मंडे को होगी। जितने लोगों ने, जो नए लोग आज देख रहे हैं उन्होंने अभी तक एडम शिखर उर्दू चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लिंक अभी थोड़ी देर में आपके सामने आ जाएगा कमेंट में, आप लोग सब्सक्राइब कर ले। और अभी मैं एग्जैक्ट आप लोगों को नंबर बता देता हूं सब्सक्राइबर का, हमारे एज ऑफ नाउ हमारे जो सब्सक्राइबर है इस चैनल के वो है 298,271। तो तकरीबन 1700 सब्सक्राइबर्स बचे हैं। अगर ये कल तक हो जाते हैं कंप्लीट, आप लोग थोड़ा धक्का लगाइएगा जो नए लोग हैं वो सब्सक्राइब कर ले, अगर हो जाते हैं तो कल हम इस चैनल पे 3,00,000 सब्सक्राइबर की सेलिब्रेशन स्ट्रीम करेंगे और एडम साहब की स्ट्रीम मंडे को होगी। तो जितने लोग सुन रहे हैं कल हम, अगर ये नंबर्स 3,00,000 पूरे हो जाते हैं या थोड़ा 100-200 बच जाता है तो कल हम सेलिब्रेशन स्ट्रीम करेंगे इसी चैनल पे। तो आप लोग थोड़ा पुश करिए और कल सेलिब्रेशन स्ट्रीम करेंगे और मंडे एडम शिखर साहब के चैनल पे हम जो शरिया का जो सीक्वेंस चल रहा है उसको पूरा करेंगे। थैंक यू सो वेरी मच एवरीवन। अच्छा हमारे साथ अंसारी के जी जुड़ी है। अंसारी जी कैसी हैं आप? क्या यार मैं अंसारी के जी बोलते साथ ये ड्रॉप हो जाती है, ये ओरिजिनल अंसारी के है या दो नंबर है? और साहिल भाई बहुत सारे व्यूअर्स को मालूम नहीं है मेरे बारे में भी कि फ्री थिंकर एक्स मुस्लिम बने हैं, नए नए व्यूअर्स जाते हैं, आज तो ज्यादा व्यूअर्स है
उनको थोड़ा बता दिया तो शायद उनको भी मालूम हो कि फ्री थिंकर साहब भी हमारे एक्स मुस्लिम हैं और स्ट्रीम्स करते रहते हैं, तो आप सभी लोग हमारे फ्री थिंकर भाई को भी सब्सक्राइब कर ले लगे हाथ और इनको भी सपोर्ट करें आप लोग। थैंक यू सो वेरी मच फ्री थिंकर भाई। अली साहब हमारे साथ जुड़े हैं, हमेशा आते हैं, दिमाग खाते हैं। अली साहब, आज के टॉपिक पे आपको क्या कहना है? आवाज आ रहा है? आ रहा है। अली, ये इसी टॉपिक पे हमारे चैनल पे बहुत बुरी इसकी हालत हुई थी। अच्छा, पहले पता है किसका हालत हुआ था? पूरा सबको पता है बेटा, मैं कल उसकी शॉर्ट काट के डालने वाला हूँ। उसका बुरा हालत हुआ, मेरा बुरा हालत नहीं हुआ था। और एक बार अच्छा, एक मिनट अली साहब, कोई मुश्किल नहीं, हमें पता है कि आपकी बुरी हालत होती या नहीं होती। ये बताओ, आज का जो टॉपिक है, सबसे पहला जो हवाला जाकिर नालायक साहब ने दिया था भविष्य पुराण का, महामत को मोहम्मद साहब के साथ मिलाया था, क्या आप उससे अग्री करते या नहीं करते? भाई, हाँ, मैं जाकिर नायक की हर जाकिर नायक की हर बात से एग्री करता हूँ। ये बंदा ट्रांसलेशन आपको गलत समझा रहा है। अरे बाप रे, ब्रह्मा ब्रह्मराक्ष से साहब आप ट्रांसलेशन, मुझे ब्रह्मराक्ष से एक बात से रुक जा भाई, रुक जा। अभी तुमने कहा कि मैं जाकिर नायक की सारी बातों को अग्री करता हूं और इन्होंने गलत ट्रांसलेशन किया है। ब्रह्मराक्ष साहब, आप वो संस्कृत का हवाला सामने रख दे और अली साहब हमारे उसको ट्रांसलेट करेंगे अभी हम सब के लिए, प्लीज। ये श्री 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 रविशंकर से ज्यादा जानता है या? अली जी, बहुत बहुत सॉरी सर, मैं आपको संस्कृत रख दे रहा हूँ, हो सकता है मेरे ट्रांसलेशन में कोई गलती हो गई, कृपया आप ट्रांसलेट करते भैया।